ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम यहां शनि के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग शनि की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं उनके कुछ उपचार उपायों का वर्णन करेंगे। शनि चालीसा का यहाँ हम पाठ करेंगे, चरण करेंगे और कुछ विधि विधान हैं जो कि शनि की पीड़ा से कैसे मुक्ति दिलाते हैं, शनि की साढ़े साथी क्या होती है, भैया होती है, इस बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। और शनि चालीसा दो हैं, हम दोनों शनि चालीसा का पाठ करेंगे, जिसमें आप जानेंगे, एक शनि चालीसा में आप जानेंगे किस किस को कैसे कैसे पीड़ा पहुंचाई शनि ने और उनका क्या हश्र हुआ और फिर कैसे मुक्ति मिली उनको। शनि इतने अधिक प्रभाव दृष्टि वाले हैं, वे सदैव नीचे देखकर चलते हैं, धरती देखकर चलते हैं, ऊंची नजर नहीं करते। वे नहीं चाहते कि उनकी नजर किसी पर पड़े और उसका नुकसान हो, वे स्वयं ही नहीं चाहते, इसलिए वे हमेशा ही नीचे जमीन देखकर चलते हैं। इसके बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि लोग शनि की नजर में आ ही जाते हैं, शनि की पीड़ा और दंड भोगते ही हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी जब पैदा हुए तो सारे देवी देवता, सभी यक्ष गंधर्व और ग्रह नक्षत्र सबके सब उनके दर्शन के लिए गए, बधाई शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिए, लेकिन वहाँ शनिदेव नहीं गए। जब शनिदेव नहीं गए तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा चिंता हुई, दुखी हुई कि सब आए मगर शनिदेव क्यों नहीं आए। शनि को संदेश भेजा उन्होंने और शनि को बुलवाया। जब शनि को बुलवाया तो शनिदेव ने कहा, हे माँ, मैं बिना दर्शन के ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र बुरी है, मेरी कुदृष्टि है, जिस पर भी पड़ जाती है उसका कुछ ना कुछ नुकसान या उस पर कुछ संकट अवश्य आ जाता है, अतः मैं नहीं चाहता कि त्रिलोकी भगवान शंकर और माता पार्वती आपके पुत्र को मेरी कुदृष्टि कैसी भी पड़े, मैं उन्हें देखूं और उनका कुछ नुकसान हो या उन पर कुछ संकट आए। तो माता पार्वती जोर से हंसी, बोले, अरे शनि देव, ये क्या कहते हैं आप, त्रिलोकपति संहारक भगवान शंकर जो सबका कल्याण करते हैं, जो जो चाहे सो होता है, और मैं आदिशक्ति का एक अंश, उनके पुत्र को आपकी नजर से क्या हानि हो सकती है। भला नहीं, आप यह विचार मत करिए, आप यह चिंता छोड़ दीजिए। तो शनिदेव आंखें बंद करके जो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वे हमेशा ही नेत्र मूंद कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते रहते हैं। उस समय भी वो वही स्तुति कर रहे थे जब माता पार्वती ने ज्यादा जिद की और शनि को आदेश दिया, तो उन्होंने आंख के
एक कोने से ये मात्र एक तिरछी नजर भर से गणेश जी को देखा, बस केवल कोने से तिरछी नजर से देख करके उन्होंने कहा माँ मैंने दर्शन कर लिए और मैं तृप्त हो गया और अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जो आशीर्वाद दिया। पार्वती जी ने कहा ठीक है जाओ। तो शनि देव तो चले गए, लेकिन शनि की दृष्टि का असर ये हुआ कि भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र होने के बावजूद भी गणेश जी का सिर कट गया। गणेश जी संकट में आ गए, गणेश जी का शीश कट गया, जो कि बाद में भगवान श्री हरि विष्णु ने एक गजराज का सिर काट करके जोड़ा, तब से वो थोड़ा विधि विधान में बदलाव आया और गणेश जी का जो सिर है वो गजराज का सिर बन गया। पहले वो गजराज का सिर नहीं था, पूर्णतः मनुष्य रूप में थे, लेकिन शनि की एक दृष्टि मात्र ने, तिरछी दृष्टि मात्र ने, जो कि उन्होंने आंख के कोने भर से जरा सी झलक भर देखा था। तो शनि हमेशा धरती देख के चलते, नीचे देख के चलते हैं, जमीन देख के चलते हैं, और जो मनुष्य शनि से प्रभावित होते हैं या शनि का जिन पर असर हो, वो लोगों की कुछ आदत होती है कि वो जमीन देख के चलते हैं, नीचे देख के चलेंगे, और समझदार मनुष्य को समझ लेना चाहिए और ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो शनि प्रभावित लोग हैं, उन पर शनि की विशेष कृपा होती है, और जो शनि की विशेष कृपा प्राप्त लोग होते हैं उन लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए या दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नज़र भर भी देख लिया तो फिर पीड़ा शनि पहुँचाते हैं और भी कई लक्षण होते हैं। हम यहाँ पर शनिदेव के दो चालीसा हैं, दो प्रकार के, तो एक चालीसा में तो वो सब बताया गया है किसको कैसे पीड़ा हुई, किसको कैसे संकट प्राप्त हुए और कैसे किसके संकटों का निवारण हुआ, मुक्ति हुई, और दूसरे चालीसा जो है वो उनका विधिवत जो है शास्त्रीय सो है। तो दोनों चालीसा ही शास्त्रीय हैं और शास्त्र से ही प्राप्त हैं, ग्रंथों से, लेकिन इस चालीसा में जो बाद के जिक्र नहीं आए, जैसे कि महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी, साम्राज्य से विमुख होना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, भटकना पड़ा और बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत कष्ट परेशानी उठानी पड़ी, ये सब शनिदेव की पीड़ा का कमाल था। इसी प्रकार ग्वालियर के राजा थे विक्रमादित्य सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर के पुत्र थे, और विक्रमादित्य सिंह तोमर ने कई युद्ध लड़े और उन पर जब शनि का प्रकोप हुआ, शनि की साढ़े साथी आई, तो उन्होंने कई उपाय किए, जिसमें मुरैना जिला मध्य प्रदेश में ऐती पर्वत है, ऐती नामक स्थान है, वहाँ पर जो पर्वत है उसको शनि पर्वत कहा जाता है और शनि धाम के नाम से वह प्रसिद्ध है। उसके बारे में कथा ये है कि जब लंका में शनिदेव रावण के पैर के नीचे दबे हुए थे, तो बजरंगबली ने उनको मुक्त करके वहाँ से उठा करके फेंका, और जब फेंका तो वो सीधे आकर के यहाँ ऐती पर्वत पर मुरैना जिला में गिरे। यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक किया, स्वास्थ्य की पुष्टि और वर्धन किया, साधना की, तपस्या की,
और यहीं एदी पर्वत पर ही अपना स्थान बना लिया। तो यहाँ एती पर्वत पर शनि धाम में महाराजा विक्रमादित्य सिंह तोमर ने शनि की सेवा के लिए एक मंदिर बनवाया। वह शनि मंदिर आज वहाँ एती पर्वत पर बना हुआ है और वहाँ हर शनिवार को हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थी शनिदेव के दर्शन के लिए आते हैं। और शनिश्चरी अमावस्या जब पड़ती है तब वहाँ पर करोड़ों लोग पहुँचते हैं, लाखों लोग पहुँचते हैं, देश से विदेश से सब जगह से आते हैं और भारी भरकम मेला लगता है। वहाँ पर स्थिति ये हो जाती है कि आप सीधे प्रतिमा पर तेल नहीं चढ़ा सकते, वहाँ पाइप लाइनें लगाई गई हैं, तो दूर दूर लाइन में लगे हुए आप उधर पाइप लाइनों में तेल डाल दीजिए तो वो तेल जाकर के सीधा शनि प्रतिमा तक पहुँचता है। वहाँ भारी भरकम व्यवस्था रहती है और ये पूरे भारतवर्ष का एकमात्र शनि देव का मुख्य स्थल है, मुख्य स्थान है, प्रमुख मंदिर है। इसी शनि पर्वत से ही एक शिला ले जा करके सिंगणापुर में ले जाई गई, वहाँ पर रखी गई और वहाँ पर उसे शनि मंदिर का नाम दिया गया। वह शिलाखंड यहीं इसी शनि पर्वत से ले जाया गया, किंतु मुख्य जो स्थान है शनिदेव का वो यह एती पर्वत है, इसी की शिला वहाँ सिंगणापुर में स्थापित है। तो विक्रमादित्य सिंह तोमर ने इस मंदिर को बनवाया, वहाँ सब व्यवस्थाएं करवाई, वहाँ गुप्त गंगा भी है और भी हैं, तमाम चीज़ें हैं जो कि वो तो वहीं जाकर के जो दर्शन करते हैं उनको सब जानकारी मिलती है। और भी कई मंदिर बने हैं और वहाँ पर रुकने ठहरने की व्यवस्थाएं भी बहुत चौकस चाक चौबंद और पूरा सरकारी इंतज़ाम रहता है, प्रशासन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था, और अब तो वहाँ पर खाने पीने सब व्यवस्था है। तो वह मंदिर विक्रमादित्य सिंह तोमर ने शनि की उससे प्रकोप से बचने के लिए बनवाया था, शनि की सेवा भी की, किंतु सेवा अधूरी रही और वो पानीपत के युद्ध में, पहला युद्ध जो हुआ 1526 में, उसमें वे बाबर से लड़ते हुए मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए और वहीं शहीद हो गए। तब फिर बाबर ग्वालियर के किले पर आया और उसने किले में प्रवेश नहीं किया और विक्रमादित्य सिंह तोमर की महारानी को संदेश भेजा कि मैं राजपूतों की आन बान शान और मर्यादा को जानता हूँ, महारानी साहिबा चूँकि अब महाराज नहीं रहे हैं तो कृपया आप किला खाली कर दें जिससे कि मैं इसमें प्रवेश कर सकूँ। तो विक्रमादित्य सिंह तोमर की महारानी ने, जो हमारे कुल का तोमर राजवंश का एक हीरा था जिसका नाम है मदनायक हीरा, वो बाबर को भेंट में दिया, बाबर को राखी बांध करके उन्होंने भाई बनाया। तो उस हीरे को देख करके बाबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे उसको उसने नाम दिया रोशनी का पर्वत, जिसको कहा जाता है रोशनी के पर्वत का अर्थ होता है कोहेनूर। तो कोहेनूर नाम उसने उस मदनायक नाम के हीरे को दिया और अपने बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है कि ये तोमर राजवंश से मैंने इस तरह से प्राप्त किया और इस हीरे का नाम पहले कुछ और था, यानी मदनायक नाम वह भूल गया और कोहिनूर नाम उसने लिखा, केवल इतना उल्लेख अवश्य किया
पहले इस हीरे का नाम तोमर राजवंश में कुछ और था। उस हीरे की खासियत यह रही कि वह तोमर राजवंश के बाद जिसके पास भी गया उसी का वंश विनाश करता चला गया, उसी को नुकसान पहुंचाता चला गया। और उसके पीछे युद्ध तमाम हुए, बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वह किसी के पास नहीं टिका। अंततः वो इंग्लैंड की उसमें पहुंचा तो वहाँ भी नहीं फला, उनके भी वंश विनाश की और उसकी नौबत आ गई। तब फिर उन्होंने ज्योतिषियों से सलाह ली कि जो है ये हीरा जो है कैसे रखा जाए, कैसे उपयोग किया जाए। तो वहाँ के जो ज्योतिषी उस वक्त रहे उन्होंने कहा कि यदि इसे कोई महिला धारण करे तो ये हीरा टिक सकता है। तो वहाँ पे महारानी ने उसको अपने राज तिलक के वक्त मुकुट में लगा करके धारण किया, लेकिन हीरा गिर गया और उसके दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए। और वो उसको फिर उन्होंने वहाँ म्यूजियम में रखवा दिया है, तो वो म्यूजियम में इंग्लैंड में रखा हुआ है। लेकिन अब वो कोहिनूर या हमारा जो मदनायक हीरा है तोमर राजवंश का, वो दो हिस्सों में बट चुका है, दो 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 टुकड़े उसके हो चुके हैं। वह उनको भी नहीं फला, यानी उनको भी रास नहीं आया। तो खैर वो कोहिनूर की कहानी है और ये शनि की कहानी है। तो शनि ने एक तो महाराजा विक्रमादित्य सिंह तोमर को पानीपत के मैदान में वीरगति दिलवा दी, उनका साम्राज्य छिन गया, महारानी को उनके पैतृक गांव जो उनके पुरखे ने बसाया था अम्बा तहसील में है डंडोली गांव, तो डंडोली गांव में जाकर के फिर रहना पड़ा। उस वक्त जो है उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह तोमर के पुत्र थे राम शाह तोमर, उनकी उम्र केवल 12 साल थी। और 12 साल के राम शाह तोमर को लेकर के वे डंडोली गांव में जाकर के निवास की। राम शाह तोमर का वहीं पर विवाह हुआ और डंडोली गांव जो है ये अम्बा तहसील में बरहे पर से एक सड़क जाती है जोहां के लिए, बरे जोहां मार गए वहीं पर जोहां के पास में ही डंडोली नामक स्थान है। और ये जो ऐसागढ़ी राज्य जिस भाई के हिस्से में आया था उन्होंने उनको ये सहूलियत दी कि आप जहां चाहें तहां जा कर के रह लें उनके पुरखों को। तो उन्होंने डंडोली गांव बसाया था, तो वे अपने वही पैतृक गांव डंडोली में जा कर के पहुँच गए। वहीं उनके तीन पुत्र हुए, जिसमें से एक पुत्र महाराणा प्रताप का बहनोई बना शालिवाहन सिंह तोमर। तो महाराणा प्रताप की बहन उनको ब्याही थी, इसलिए वो हल्दीघाटी के युद्ध में गए। उधर महाराणा प्रताप पर जब 7.5 का दौर चला तो महाराणा प्रताप भी संकट में फंस गए। वहां जाकर के राम शाह तोमर भी संकट में फंस गए। सिंह कन्या तुला, कुल मिलाकर के उस समय 7.5 का ये दौर चल रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप को भी परेशानी उठानी पड़ी, घास की रोटी खानी पड़ी और साम्राज्य छोड़ के जंगलों में भागना पड़ा, जंगलों में निवास करना पड़ा। और राम शाह तोमर तुला राशि, वो भी उनके साथ भटकते फिरे, परेशान हुए, अंततः हल्दीघाटी के युद्ध में उन्हें भी वीरगति प्राप्त हुई अपने तीन पुत्रों के साथ और एक पौत्र यानी नाती के साथ। तो ये शनिदेव की मुख्य बात थी। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो जो लोग भगवान श्री कृष्ण की साधना आराधना उपासना या श्री कृष्ण भक्त होते हैं उन पर शनिदेव दूर रहते हैं, बचते हैं। एक तो वो उन लोगों पे जिन जो शनि से प्रभावित होकर के जन्म लेते हैं उन पर असर कम करते हैं। दूसरा जो
भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं या श्री कृष्ण के उपासक होते हैं उन पर शनि का प्रभाव कम पड़ता है या पड़ता ही नहीं है, दूर रहते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं की भक्ति और चिंतन में वे सदा मग्न रहते हैं। तो अब इस संबंध में शनि चालीसा का पाठ किया जाए या शनि संबंधी अन्य बातें की जाए तो भगवान श्री कृष्ण की एक स्तवन या स्तुति कर लेना मैं या उचित समझता हूँ। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद इस शनि चालीसा का और शनि संबंधी पूरे व्याख्यान का यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो सर्वप्रथम उपाय या तरीका ये है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना या स्तुति शनि के प्रकोप से बचने के लिए बहुत ही सुंदर और उत्तम उपाय है। तो श्री कृष्ण जी की पहले यहाँ हम स्तुति करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुम्भम नासाग्रे नवमोक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुविमलम कंठे च मुक्तावलिम गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेश्यायानं बालं मुकुदं मम मनसा स्मरामि गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार मायाति मोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुंदं मनसां स्मरामि। ये भगवान श्री कृष्ण का एक स्तुति है, स्तवन है, जो कि शनि के लिए तो कम से कम ठीक ही है। और भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना उपासना कर रहे हैं तो आपको कम से कम बेफिक्र रहना चाहिए। दूसरा छात्रों के बारे में आता है या एक कहावत है कि जो है अगर माता पिता जीवित हों या दादा पिता में हों तो शनि असर नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। शनि का असर तो फिर भी होता है, शनि तब भी परेशान करते हैं, लेकिन क्या रहता है कि जितने कष्ट और वो होते हैं या उनका जो पालन पोषण या और जो कठिनाइयां दूर करने का काम रहता है वो माता पिता का और दादा पिता में वगैरह का रहता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता था, लेकिन वो तो 7:30 ही आती है, ढैया चलती हैं, वो तो सब होता है, लेकिन अब वो व्यवस्था भी नहीं रही। अब सब परिवार अलग अलग हो गए, अब कुटुंब वाले ख़त्म हो गया खेल। जो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर भारत वर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर में, वो अब नहीं रही। कुटुंब समाप्त हो चुके हैं, अब तो परिवार समाप्त हो चुके हैं, अब तो माता पिता पुत्र दादा पिता में सब अलग अलग रहते हैं। इसलिए अब बहुत जल्दी और तीव्र असर हर व्यक्ति पर, छात्र हो, बच्चा हो, कोई भी हो, होता है। और पहले वो निवारण जो है, बड़े बूढ़े लोग उसकी समस्याओं का, कठिनाइयों करते रहते थे, उसे बचाते रहते थे, अब वो बचाने की स्थिति नहीं रही है, क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं, सब अपना अपना कष्ट भोगते हैं, अपने अपने पाप और दंड भोगते हैं। हालांकि छात्रों के लिए कहा गया है
काक चेष्टा बक ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी स्त्रिय त्यागी विद्यार्थिन पंचलक्षणम। इसी को दूसरे तरीके से कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो अब वो चीजें नहीं रही हैं, अब तो सब कुछ बदल गया। अब तो विद्यार्थी जो है न उनमें काक चेष्टा रही है, न बगुले जैसा ध्यान रहा है, और न श्वान जैसी निद्रा रही है। न वे अल्पहारी रहे हैं और न स्त्रीय त्यागी रहे हैं और न गृह त्यागी रहे हैं। अब विद्यार्थियों के ये सब लक्षण समाप्त हो चुके हैं, अब तो सज धज करके रहते हैं और इत्र और सेंट छिड़क करके, और वो स्त्रियों और लोभी मोही काम क्रोधी और वो चीज़ें सब बदल चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब विद्यार्थियों पर भी बहुत तीव्र असर शनिदेव का होता है। जैसे राहु केतु का काम रहता है कि राहु केतु जब आमने सामने लग्न और सप्तम में आ जाए तो पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो जाएगा, बिछो हो जाएगा, जरूर होगा। उतने वक्त तक उनका एक निश्चित समय है। तो इसी प्रकार से शनि का खेल है। राहु केतु शनि के एजेंट हैं, जैसा कि लाल किताब कहती है। तो राहु केतु शनि का हुक्म मानते हैं। शनि जहाँ जहाँ चलेगा, जैसे जैसे चलेगा, जो जो आदेश करता है, राहु और केतु उसका पालन करते हैं। तो शनि को प्रधानता दी जाती है, तो शनि को प्रधानता दे करके और फिर राहु केतु के असर असरात और उनके काम करने का तरीका जाना जाता है ज्योतिष से। खैर ये तो ये बातें रहीं। अब हम शनि के बारे में कुछ और बातें यहाँ करना उचित समझेंगे कि शनि का जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा। सभी ग्रहों में शनि की जो चाल है या गति है वो सबसे धीमी है, सबसे धीमी चाल है, धीमी गति है। सबसे धीमे चलने के कारण इनको शनिचर यानी धीरे चलने वाला शनिश्चर नाम पड़ा इनका। और सबसे जो तेज गति है ग्रहों में वो है चंद्रमा की। तो शनि जहाँ पर 2.5 साल में एक राशि को पार कर पाते हैं, तो वहीं चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है। तो सबसे तेज गति चंद्रमा की होने के कारण हमारे जितने भी पंचांग होते हैं वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, जिससे सूक्ष्म गणनाएं आ जाती हैं। सूक्ष्म समय का पूरा हम काल गणना कर लेते हैं। और शनि की जो चाल है वो सबसे धीमी होने के कारण ये शनिश्चर कहलाए। अब शनि के बारे में जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, तो तुला वृश्चिक चापेशु यदा यात शनिश्चर त्रिभाग शेषा पृथ्वी मांस शोणित कर दमे तथा सांवत्सर पद्धति मध्य अपि वृश्चिकस्थे यदा मंदे पूर्वस्यादिश पीड़नम और धनुराशो शनिर्गत्वा पश्चिमे देश पीड़िनम। तो इस समय जो है शनि वृश्चिक में है और अगले वर्ष ये धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस सूत्र के अनुसार आप स्वयं जान सकते हैं। दूसरा सूत्र इसमें यह है, यदा वृश्चिक सौरिर में दिनी दुख संयुता वर्ष मात्र मथो चोर्धमिंद्र प्रस्थो विनश्यति धनुराशो स्थित सौरार्गजितो न वर्षति तो यहीना धरा तत् दुर्विच्छम च विनिर्देशेत। शनिर्दुष्टो धनुर् मीन कन्या युग्म वृष स्थिता मंदे स्थित धनविन दृष्टिनाश स्याद भूपतीनाम कलहो न चार्थम पांचाल काशी करु कौशलाश्च नष्टाश्च काश्मीर कलिंग बंगा। ये शनि के
बहुत तेज असर हैं, और जिन राशियों में अभी चल रहे हैं यानी वृश्चिक में चल रहा है, वो धनु में जब आएंगे तो उसका फल ये मैंने यहाँ संस्कृत में बता दिया, इसका हिंदी में बताना या उच्चारण करना उचित नहीं समझता। जो संस्कृत के विद्वान होंगे वो समझ लेंगे क्या होने वाला। अब हम शनि के बारे में बात करेंगे कि शनि की पनौती क्या होती है और शनि की साढ़े साथी ढैया वगैरह वगैरह। तो आपकी जो जन्म राशि है उस शनि गोचर भ्रमण करते समय बारवां पहला दूसरा स्थान बने तो इस स्थिति में उस जातक को साढ़े साथी बृहत कल्याणी शनि दशा कालांश बनता है। यानी साढ़े साथी आपके खुद की राशि में हो तो उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे, ये तीन राशियों पर शनि की दशा चलती है। तो जिस राशि पर चल रहा उस पर ढाई साल चलेगा, यानी अगली राशि पर जिस पर असर कर रहा है उस पर ढाई साल करेगा, इसी राशि जिस पर चल चुका है उस पर ढाई साल असर, इस तरह ये ढाई साल के जो तीन असर रहते हैं ये मिलकर के साढ़े साथी कहलाते हैं। इस प्रकार से ये साढ़े साथी बनती है। और इसी प्रकार से जन्म राशि से आप गणना करते समय चौथे और आठवें स्थान पर शनि राशि का भ्रमण बने तो ढैया की दशा चलेगी। इसे लघु कल्याणी शनि दशा कालांश कहते हैं। तो पहला शनि पेट पर, दूसरा पैरों पर तथा बारवां नेत्रों पर प्रभावशाली रहता है। तो यानी जिस राशि में शनि चल रहा होगा तो वो बीच के स्थान पर, शरीर के स्थान पर, पेट के स्थान पर, और जो अंतिम जो इसका चरण रहता है वो पैरों पर रहता है, तथा जो पहला चरण रहता है यानी कि आपसे पिछली राशि वाले पर शनि है तो वो नेत्रों पर या मस्तक पर रहता है। अब शनि के जो पाद रहते हैं यानी पांव पैर, वो क्या रहते हैं? तो जिस नक्षत्र पर शनि हो उसकी संख्या में अपने जन्म नक्षत्र की संख्या जोड़कर चार का भाग देना चाहिए। एक शेष रहेगा तो सोने का पाद आएगा, दो शेष रहेगा तो लोहे का आएगा, तीन शेष रहेगा तो तांबे का आएगा, और शून्य शेष रहेगा तो चांदी का पाद समझें। तो स्वर्ण पाद से सुखानी, लोह पाद से धन और द्रव्य का नाश, और ताम्र यानी तांबा से सामान्य फलद, तथा चांदी का पाया शुभ श्रीकार होता है। लेकिन मैं, हमारा जो खुद का निजी अनुभव है तो उसमें ये सब बातें तो ठीक हैं जैसा कि शास्त्रों में है या वो है, लेकिन असल अगर शनि का प्रभाव जानना है या असल शनि का असर देखना है दिन प्रतिदिन का या राशि के हिसाब से, तो अष्टक वर्ग के हिसाब से शनि का वो देखना चाहिए, शनि की गणना करना चाहिए। तो अष्टक वर्ग से जब शनि का आप हिसाब निकालेंगे तो वो एकदम सही और बिल्कुल नपा तोला आएगा, और जो आएगा बिल्कुल वैसा का वैसा ही असर होगा। तो अष्टक वर्ग की गणना से आप अवश्य निकालें, उसके उपरांत जो शास्त्र कहते हैं फिर उसको देखें, तो अष्टक वर्ग की गणना कभी गलत नहीं निकलेगी। अब हम शनि के वाहन के बारे में बताते हैं आपको। तो शनि नक्षत्र चार से अपने जन्म नक्षत्र तक गणना करें, उसमें नौ का भाग दें, तथा शेष एक रहे तो गर्दभ वाहन आएगा यानी गधा, और दो बचेगा तो उससे अश्व आएगा वाहन, तीन बचेंगे तो उससे गज यानी हाथी, और चार शेष बचेगा तो उससे मेष यानी भेड़, और पांच शेष बचेगा तो उससे जंबू यानी सियार यानी गीदड़, तथा छह से सिंह, सात से काग यानी कौआ, आठ से मृग, तथा शून्य के रहते मयूर वाहन होगा। इनमें अश्व गज और मयूर वाहन योगवाही और सुखद होते हैं। अब
7.5 साल में इनमें शनि के जो निवास रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं, अब उसको हम बताते हैं। शनिदेव 3 मास 10 दिन तो मुख पर रहते हैं, 1 वर्ष 1 मास 10 दिन दाहिनी भुजा पर रहते हैं, 10 मास दाहिने पैर पर रहते हैं, 10 मास बाएं पैर पर रहते हैं तथा 1 वर्ष 4 मास 20 दिन हृदय पर रहते हैं, 1 वर्ष 1 मास 10 दिन बाईं भुजा पर रहते हैं और 10 मास मस्तिष्क यानी सिर पर रहते हैं तथा 3 मास 10 दिन बाएं नेत्र पर रहते हैं, 3 मास 10 दिन दाहिने नेत्र पर और 6 मास 20 दिन गुदा पर निवास करते हैं। इनका स्थान और प्रतिफल ये है कि मुखवास हानिप्रत, दाहिनी भुजा विजय उत्साह प्रदायक रहती है, दाहिना पाद भ्रमण प्रदायक रहता है, हृदय निवास धन धान्य संपदा कारक रहता है और बाम यानी बाई भुजा पीड़ा विकार प्रदायक रहती, मस्तिष्क में सिरवास ये शांति और सुखद का वो रहता है विधायक और सौख्यप्रद रहता है, नेत्र निवास शुभ फलद रहता है तथा गुदा स्थान निवास चिंता विकार और पीड़ा प्रदायक होता है। जैसा शास्त्रीय कथन है या शास्त्रीय विवेचना है वो इस प्रकार से है। तो ये तो शास्त्र की बातें हैं कि किस प्रकार से शनि आपको 7.5 ही ढैया लगाते हैं, प्रभाव वगैरह देते हैं, लेकिन मुख्य चीज़ तो किसी उत्तम ज्योतिषी से जान करके ही पूछना पता लगाना चाहिए और उसी से ही सही ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम यहाँ शनि का आगे वो करने से पूर्व 40 पाठ शनि का ध्यान स्तोत्र उसका उच्चारण कर लें, उसके उपरांत फिर शनि 40 का हम पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। इसके उपरांत जो मुख्य चीज है या जो उच्चारण करना चाहिए, शनि वज्र पंजर कवच, तो शनि का वज्र पंजर कवच है, इसका उच्चारण भी करके उसके उपरांत 40 का यहाँ पाठ करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो शनि वज्र पंजर कवच है ये। नीलांबरो नील वपु कीरीटी ग्रग्र स्थित स्त्रास करो धनुष्मान चतुर्भुज सूर्यसुत प्रसन्न सदा मम स्याद वरद प्रशांत कोणस्थ पिंगलो बब्रु कृष्णो रौद्रांतको यम सौरि शनिश्चरो मंद पिप्पालाश्रय संस्थित एतानि शनि नामानि जपेदश्वस्थस्थ सन्निधो शनिश्चर कृत पीड़ा न कदापि भविष्यति। देखिए ये शनि वज्र पंजर कवच है, पुनः उच्चारण कर रहा हूं। नीलांबरो नील वपु कीरीटी गृग्र स्थित स्त्रास करो धनुष्मान चतुर्भुज सूर्यसुत प्रसन्न सदा मम स्याद वरद प्रशांत कोणस्थ पिंगलो वब्रु कृष्णो रौद्रांतको यम सौरि शनिश्चरो मंद पिप्पलाश्रय संस्थित एतान शनि नामानि जपेद अश्वस्थ सन्निधौ शनिश्चर कृत पीड़ा न कदापि भविष्यति।
इस मंत्र कवच के नित्य पाठ से शनि जयंत आदि व्याधि पलायित होकर शांति शमन का सन्मार्ग बन पाता है। शमी खेजड़ा या पीपल के वृक्ष के पास इस मंत्र का 7 बार पाठ वाचन करना विशेष फलद रहता है। ये शनि का वज्र पंजर कवच है जिसका हमने यहाँ उच्चारण किया। ओम जय श्री कृष्णाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद शनि चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ। तो शनि के 2 चालीसा हैं और दोनों चालीसाओं का मैं यहाँ उच्चारण करूँगा। प्रथम में आप ये जानेंगे कि शनि द्वारा किस किस को कैसे कैसे पीड़ा दी गई और कैसे कैसे फिर उनको मुक्ति मिली या उनके निवारण हुए या उनको संकट भोगने पड़े। तो प्रथम चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करण कृपाल, दीनन को दुख दूर करे की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनि देव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जयति जयति शनि देव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला, चारि भुजातन श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे, परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण चमा चम चम कै, हिये भाल मुक्तन मणि धमके, कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल विच करें अरिहि संहारा, पिंगल कृष्णो छायानंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन, सौरि मंद शनि दश नाम, भानुपुत्र पूज ही सब काम, जापर प्रभु प्रसन्न हुए जाही, रंकहु राहु करे छड़ि नाही। जापर प्रभु प्रसन्न हुई जाही, रंकहु राहु करे क्षण माही, पर्वत तृण होई निहारत, तृणहू को पर्वत करिडारत, पर्वत तृण होई निहारत, तृणहू को पर्वत करिडारत, राज मिलन बन राम ही दीना, के कहियु की मति हरि लीना, बनहू मैं मृग कपट दिखाई, मात जान की गई चुराई, बनहू मैं मृग कपट दिखाई, मात जान की गई चुराई, ओ लख नहीं शक्ति विकल कर डारा, मच गई दल में हाहाकारा,
रावण की गति मति बौराई, रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बड़ाई, रामचंद्र सो बैर बड़ाई, दियो कीट कर कंचन लंका, बज बज रंग वीर को डंका, दियो कीट कर कंचन लंका, बज बज रंग वीर को डंका, नृप विक्रम पर जब पगुधारा, चित्र मयूर निगल गया हारा, नृप विक्रम पर जब पगुधारा, चित्र मयूर निगल गए हारा, हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, हार नौ लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली ही घर कोलू चलवायो, भारी दशा निकृष्ट दिखायो, तेली हूँ घर कोलू चलवायो, विनय राग दीपक महकीनो, तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो, हरिश्चंद्र हूँ नृप नारी बिकानी, हरिश्चंद्र हूँ नृप नारी बिकानी, आप हूँ भरे डोम घर पानी, वैसे नल पर दशा सिरानी, और भूजी मीन कूद गई पानी, वैसे नल पर दशा सिरानी, ओ भूजी मीन कूद गई पानी, श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, श्री शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई, तन बिलोकत ही कर रीसा, तन बिलोकत ही कर रीसा, ओ नव उड़ गयो गौरी सुत सीसा, नव उड़ गयो गौरी सुत सीसा, पांडव पर है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी, पांडव पर है दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होत उघारी, कौरव की भी गति मति मारी, युद्ध महाभारत करी डारी, कौरव की भी गति मति मारी, युद्ध महाभारत करी डारी, रवि कह मुख धरि तत्काला, लेकर कूद परियो पाताला, रवि कह मुख धरि तत्काला, लेकर कूद परियो पाताला, शेष देव लखि बिनती लाई, शेष देव लखि बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, वाहन प्रभु के साथ सुजाना, गज दिग्गज गर दब मृग स्वाना, जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सोफल ज्योतिष कहत पुकारी, गज वाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, हैते सुख संपत्ति उपजावे,
और गर्दब हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा, और जम्बुक बुद्ध नष्ट करी डारे, ओ मृग दे कष्ट प्राण संहारे, ओ जब आ वही प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि हो ये डर भारी, तैसे ही चार चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा, लोह चरण पर जब प्रभु आवे, धन संपत्ति सब नष्ट करावे, समता ताम्र रजत शुभकारी, ओ स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे, अद्भुत नाथ दिखावै लीला, करें शत्रु के नशिबल ढीला, अद्भुत नाथ दिखावै लीला, करें शत्रु के नशिबल ढीला, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवित शनिग्रह शांत कराई, जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दय बहु सुख पावत, दीप दान दय बहु सुख पावत, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमरत दुसुख होत प्रकाशा, कहत राम सुंदर प्रभु दासा, ओ शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा, प्रतिमा श्री शनि देव की लोह धातु बनवाए, प्रेम सहित पूजन करे सकल कष्ट कट जाए, प्रतिमा श्री शनि देव की लोह धातु बनवाए, प्रेम सहित पूजन करे सकल कष्ट कट जाए, चालीसा नित नेम यह कहाँ सुनहि धर ध्यान, निश्चय शनि ग्रह सुखद है पावहि नर सम्मान, पावहि नर सम्मान। अब मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद शनिदेव के चालीसा का यहाँ पर पाठ कर रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ। ये शनिदेव का दूसरा चालीसा है, प्रथम चालीसा आप सुन चुके हैं। दोनों ही चालीसा ग्रंथों से और शास्त्रीय चालीसा है। तो ये शनिदेव का दूसरा चालीसा है, इसका मैं यहाँ उच्चारण कर रहा हूँ। श्री शनिश्चर देव जी सुनो श्रवण मम टेर, कोटि विघ्न नाशक प्रभु करो न मम हित बेर। श्री शनिश्चर देव जी सुनो श्रवण मम टेर, कोटि विघ्न नाशक प्रभु करो न मम हित बेर। तब स्तुति हे नाथ जोर जुगल कर करत हूँ, करिए मोह सनाथ विघ्न हरन हे रवि सुवन।
शनि देव मैं सुमिरों तो ही विद्या बुद्धि ज्ञान देव मोही तुमरो नाम अनेक बखानो शूद्र बुद्धि मैं जतो कुछ जानो अंतक कोण रौद्र मंगाऊ कृष्ण बाब्रु शनि सब ही सुनाऊ पिंगल मंद सौरी सुखदाता हित अनहित सब जग के ज्ञाता नित्य जपे जो नाम तुम्हारा करहु व्याधि दुख से निस्तारा राशि विषम वस असुरन सुरनर पन्नग शेष सहित विद्याधर राजा रंक रहे जो नीको पशु पक्षी बन चर सब ही को कानन किला शिविर सेना कर नाश करत सब ग्राम्य नगर भर डालत विघ्न सब ही के सुख में व्याकुल हो ही पड़े सब दुख में नाथ विनय तुमसे यह मेरी करिय न मोहिनर दया घनेरी मम हित विषम राशि महवासा करियन नाथ यही मन आशा जो गुड़ उड़द देवार शनीचर तिल जब लोह अन्न धन बस्तर दान दिए से होय सुखारी सोई शनि सुन विनय हमारी नाथ दया तुम मो पर की जय कोटिक विघ्न क्षणिक मह छीजे वंदत नाथ जुगल कर जोरी सुनहु दया कर विनती मोरी वंदत नाथ जुगल कर जोरी सुनहु दया कर विनती मोरी कबहु तीरथ राज प्रयागा सरयू तोर सयत अनुरागा कबहु सरस्वती शुद्ध नारमह या कहूं गिरी खोह कंदरमह ध्यान धरत है जो जोगी जन ताहि ध्यान मह सूक्ष्म होय शनि है अगम्य क्या करूं बड़ाई करत प्रणम चरण सिर नाई है अगम्य क्या करूं बड़ाई करत प्रणाम चरण सिर नाई जो विदेश से बार शनीचर मुड़कर आवेगा निज घर पर रहे सुखी शनि देव दुहाई रक्षा रवि सुत रखे बनाई जो विदेश जावे शनिवारा ग्रह आवे नहीं सहे दुखारा जो विदेश जावे शनिवारा ग्रह आवे नहीं सहे दुखारा संकट दे शनि चरताही जेते दुखी होए मन माही संकट दे शनि चरताही जेते दुखी होए मन माही सोई रवि नंदन कर जोरी ओ सोई रवि नंदन कर जोरी बंदन करत मूढ़ मति थोरी ब्रह्मा जगत बनावन हारा विष्णु सब ही नित देत आहारा हे त्रिशूल धारी त्रिपुरारी विभुदेव मूर्ति कुवारी इक होय धारण करत शनित वंदत सोई शनि को दमन चित जो नर पाठ करे मन चित से सो नर छूटे व्याधा अमित से।
जो नर पाठ करे मन चित से, सो नर छूटे व्यथा अमित से। हंस पुत्र धन संतति बाढ़े, कल काल कर जोड़े ठाड़े। पशु कुटुंब बांधव आदि सी से, भरो भवन रहे है नित सब ही से। पशु कुटुंब बांधव आदि से, भरो भवन रहे है नित सब से। नाना भांति भोग सुख सारा, अंत समय तय कर संसारा। पावे मुक्ति अमर पद भाई, जो नित शनि सम ध्यान लगाई। पढ़े प्रात जो नाम शनि दस, रहे शनिश्चर नित उसके बस। पढ़े प्रात जो नाम शनि दस, रहे शनिश्चर नित उसके बस। पीड़ा शनि की कबहु न होई, नित उठ ध्यान धरे जो कोई। जो यह पाठ करे चालीसा, होए सुख साखी जगदीशा। होए सुख साखी जगदीशा। चालीस दिन नित पढ़े सबेरे, पातक नाश शनि घनेरे। रवि नंदन की यस प्रभुताई, जगत मोह तम नाशय भाई। या को पाठ करे जो कोई, सुख संपत्ति की कमी न होई। निश दिन ध्यान धरे मन माही, आदि व्याधि ढिंग आवे नाही। आदि व्याधि ढिंग आवे नाही। पाठ शनिचर देव को की हो रवि तैयार। ओ करत पाठ चालीस दिन, हो भव सागर पार। पाठ शनिचर देव को की हो रवि तैयार। ओ करत पाठ चालीस दिन, हो भव सागर पार। जो स्तुत दशरथ जी कियो, सम्मुख शनि निहार। ओ सरस सुभाषा में वही, ललिता लिखे सुधार। जय श्री शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव का चालीसा था। और अब इसके उपरांत शनिदेव की आरती करना चाहिए, और आरती पाठ आप स्वयं करें। और इस कुछ और बातें बता करके हम शनिदेव का यह सीडी यहाँ पूर्ण करेंगे। तो शनिदेव से मुक्ति के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव का निवास कोनों में रहता है, अंधेरों में रहता है, छाया में रहता है। तो आपके जहाँ जहाँ घर में सूर्य की रोशनी न पहुँचती हो, वहाँ वहाँ पर शनि का निवास होगा। अतः प्रयास यह करें, आपके घर में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी का प्रवेश हो। जहाँ सूर्य की रोशनी का प्रवेश होगा, वहाँ वहाँ से शनि हटते जाते हैं। दूसरी बात, सफाई व्यवस्था। जितनी सफाई रखी जाएगी, विशेषकर कोनों की सफाई, क्योंकि शनि का निवास स्थान कोनों में रहता है और अंधेरी जगहों पर रहता है, छुपी जगहों पर रहता है, तो वहाँ से सफाई और स्वच्छता रखी जाएगी तो शनि देव का
प्रकोप कम होता जाएगा। इसी प्रकार से शनिवार को 7 मिर्च और 1 नींबू, जिसे नजरोटा कहा जाता है ज्यादातर, तो नजरोटा आपको अपने घर के द्वार पर लगाना चाहिए। यानी नीचे नींबू लगाया जाता, नींबू के नीचे एक धागा लेकर के उसमें माचिस की तीली बांध लें और उसमें सबसे पहले नींबू पेरोएं। नींबू खड़ा पेरोना चाहिए, यानी आड़ा, यानी कि मुंह और पूंछ में सुई नहीं घुसेड़ना चाहिए, आड़ा डालना चाहिए उसको। मुंह और पूंछ आड़े बने रहे उसके, इस तरह से, इस तरह। और उसके बाद में 7 मिर्चें लगा करके ये दरवाजे पर टांग देना चाहिए, टांग देना चाहिए हर शनिवार को। काले कुत्ते को रोटी आप नित्य खिलाएं तो बहुत सुंदर, वरना शनिवार को अवश्य खिलाएं काले कुत्ते को रोटी। और इसमें हो सके तो तेल का पराठा बना करके, सरसों के तेल का, कड़वे तेल का पराठा बना करके कुत्ते को खिलाना चाहिए। ये उपाय है। दूसरा, आपको शनि के दान, तो शनि को त्रिकटू का दान करना चाहिए, त्रिकटू का, और थोड़ा सा लोहा दान करना चाहिए। शनिवार को आप कभी लोहा न खरीदें, कभी तेल घर में न लाएं और लोहा घर में न लाएं, बल्कि इनके दान करना चाहिए। तेल का दान करना चाहिए, लोहे का दान करना चाहिए, त्रिकटू का दान करना चाहिए। इसी प्रकार से शनि के और जो उपाय हैं उसमें, ऐसे व्यक्ति शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नीच प्रकृति के होते हैं, जादू टोना इस प्रकार के लोग रहते हैं, और इसमें नीच वर्ण, ये सब शनि से प्रभावित लोग रहते हैं। इनकी सेवा, इनका सम्मान आप जितना करेंगे उतना शनि का सम्मान होता है। इनको जितना दान दक्षिणा देंगे उतना प्रभाव आपको शनि अच्छा देंगे। इसके अतिरिक्त जो है, कुछ कुंडलियां, जन्म कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें शनि ही आय स्थान पर आकर बैठ जाते हैं, या लाभ स्थान पर, या कर्म स्थान पर, या व्यापार स्थान पर, या अन्य स्थान पर। तो ऐसी दशा में ये देख लेना यह चाहिए कि शनि किस स्थान पर जन्म कुंडली में बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं शनि का उसी हिसाब से उपयोग किया जाए तो आपको बहुत फलद रहेगा। मान लीजिए कि शनि जो है शत्रु स्थान पर आ गए, तो आपकी जो शत्रुता या विरोध रहेगा वो हमेशा ही नीचे लोगों से रहेगा। नीच प्रवृत्ति के, नीच कर्म करने वाले, या जादू टोना दान तंत्र मंत्र उन लोगों से रहेगा। और ऐसे में एक अच्छे उससे मिल करके उसके उपाय पूछना चाहिए। दान दक्षिणा शनि का बहुत प्रिय है। शनि जादू टोना दान दक्षिणा इनमें बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और बहुत इससे वो रहते हैं। तो जितना दान दक्षिणा किया जाता है उतना शनि अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में जैसे यदि शनि सप्तम भाव में आया है, तो बड़ा स्वाभाविक है, कोई भी ज्योतिषी कह सकता है कि उस मनुष्य के अपने से बड़े उम्र के व्यक्ति से, अगर स्त्री है तो अपने से बड़े उम्र के पुरुष से, और पुरुष है तो अपने से बड़े उम्र की स्त्रियों से उसके शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। तो शनि की यह विशेषता रहती है कि ये अगर सप्तम में आ गया तो अपने से बड़े उम्र के लोगों से शारीरिक संबंध बन जाता रहता है, या बनवाएगा, या ऐसे व्यक्ति के उससे ताल्लुक बनेंगे जो भी है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली के हिसाब से भी, फिर क्या पीपल का, शमी का, या खेजड़ा का, ये तीनों में से कोई सा भी वृक्ष हो, शनिवार को वहाँ पर जल अवश्य चढ़ना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, और शनि चालीसा का पाठ अगर वहाँ किया जाए या सुनवाया जाए इस सीढ़ी को,
या ये सीडी आपके घर में नित्य बजती रहे, तो बेशक आप जो है शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो या अन्य कोई प्रभाव हो, आप उससे मुक्त रहेंगे, शनि की आप पर कृपा बनी रहेगी। शनि में इतनी वो है कि वो राजा को रंक पलभर में बना देता है, और रंक को राजा पलभर में, जैसा कि अभी आपने चालीसा में सुना, तो वो उसने पल भर में राजाओं को रंक कर दिया, भिखारी बना दिया, और भिखारियों को पल भर में राजा बना दिया। ये सब शनि के काम है, शनि पल में जो चाहे सो कर सकते हैं, और शनि को तो स्मरण में रखना चाहिए। शनि का दीपक आप हर शनिवार को लगाएं, और जब लगाएं तब यह सीडी अवश्य बजाएं। यह सीडी जितनी बजेगी उतने आप शनि के पीड़ित पीड़ा से या पीड़ित प्रभाव से मुक्त होते चले जाएंगे। शनि का दीपक शनिवार को अवश्य लगाया जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपसे इस शनि चर्चा की चर्चा के साथ, और जो बांटने योग्य चीज थी बांटने के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।